एक वृद्धा भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया। इतने में वृद्धा भिक्षु गर्म हो गए और कहा, अरे तुमने उस महिला को छू लिया, अब मैं तुम्हारी शिकायत बुद्ध से करूंगा और तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, हे बुद्ध, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इस बात का कि इसने युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम ले लो। वृद्ध भिक्षु ने कहा, मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मन में उठाकर यहां तक ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी यह है, तुम इतनी देर से उसे धो रहे हो, इसने तो वहां रखा और भूल भी गया। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए ये चार उपाय बताता हूँ। पहला, हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। दूसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा, अच्छी संगति में रहना। चौथा, प्रार्थना करना।